हेलो दोस्तों, आज का जो वीडियो है चाइना टीवी के अंदर में है और इसका जो बोर्ड है पूरा बोर्ड सड़ गया है, तो हम इसमें नया बोर्ड लगाएंगे जो कंपनी का नाम है गजरज बोल के। हर तरह का कंपनी मिलता है मार्केट में बोर्ड, तो मुझे ये वाला अच्छा लगता है, मैं यही लगाता हूँ। ठीक है, तो आपको जो अच्छा लगे वही लगाइए, बात हो नहीं है। तो आज वीडियो में पूरा दिखाएंगे जो बोर्ड नया बोर्ड कैसा लगाता है टीवी में, तो पूरा वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरा वीडियो को देखिए। और जिस भी भाई मेरा चैनल पर नया आया है जाके सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसा सब्सक्राइब होकर लिखा और आपका मोबाइल के अंदर में देखिए उसमें जाके क्लिक कर दीजिए। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं टीवी पूरा खोल लिया, देखिए पूरा बोर्ड चढ़ गया है, तो बोर्ड का हालत बहुत ख़राब है, इसलिए बोर्ड चेंज कर रहे हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, बोर्ड लगाने से पहले ठीक है तो पूरा यॉक चेक करना पड़ेगा, पिक्चर टू को चेक करना पड़ेगा, हो सकता है पिक्चर टू वो ख़राब रहे, तो हम लोग पूरा बोर्ड लगा लेंगे, पूरा सेटिंग कर लेंगे, कनेक्शन आयर का कनेक्शन पूरा कर लेंगे, उसके बाद जाके पूरा ऑल कंप्लीट करके उसके बाद हम लोग लाइन देंगे, देखेंगे पिक्चर टू ख़राब है, पूरा मेहनत बेकार हो जाएगा। तो फर्स्ट हम लोग का यॉक चेक करना है, पिक्चर टू चेक करना है, तो टेम्पोरली बोर्ड को हम लगा के देखेंगे पिक्चर टू सही है कि नहीं, पिक्चर टू सही रहेगा उसके बाद हम इसमें बोर्ड लगाएंगे। चलो फर्स्ट हम इसको यॉक चेक कर लेते हैं मीटर से, ठीक है, उसके बाद बोर्ड लगा के हम देखेंगे पिक्चर टू सही है कि नहीं। ठीक है, पहले मैं यॉक का कलेक्शन खोल देता हूँ, देखिए ये वाला यॉक खोलने के बाद अब इसको मीटर का कंटिन्यू पे रख के मैं यॉक देख लेता हूँ, टेस्ट करके सही है कि नहीं। देखिए जैसा हम लगा रहे आप वैसे ही करिएगा, ठीक है, देखिए देखिए ऐसा करके चेक कर लीजिएगा यक सही है। अब इसमें हम टेम्पोरली बोर्ड लगाएंगे, पूरा फिनिशिंग बोर्ड नहीं लगाएंगे, टेम्पोरली बोर्ड लगाएंगे, देखेंगे जो पिक्चर टू सही है कि नहीं। चलो हम इसका बोर्ड का पूरा क्लियर कर लेते हैं, बहुत सावधानी से खोलना पड़ता है यक का नेक बेस को, इसमें पूरा कनेक्शन हम खोल दे रहे हैं, पूरा कनेक्शन खोल दिया। अब इसमें बोर्ड लगाएंगे, ठीक है, देखिए ये मोटा नेक का बेस लगा हुआ रहता है जो नया बोर्ड आता है, तो इस तो होता है एक स्मॉल नेक है, तो हम इस बेस को उसको चेंज करेंगे, इसका स्मॉल एक बेस मतलब लगाएंगे, इसमें स्मॉल बेस लगाएंगे इसमें। ठीक है, हम बेस खोल लेते हैं, देखिए दोस्तों ये वाला आयरन बहुत अच्छा है, ये वाला आयरन आप लीजिएगा, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। देखिए ये 65 वाट का आयरन आता है, ठीक है, अब इसमें रेगुलेटर सिस्टम है, आप बढ़ा भी सकते हो घटा भी सकते हो, ठीक है, और आयरन बहुत अच्छा है, आपको चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप जाके उधर से ख़रीद सकते हैं। चलो हम बेस चेंज कर लेते हैं,
ये आयरन का हर तरह का बीड मिलता है, और बहुत बढ़िया आयरन है। देखिए ये बड़ा नेक का है, ये छोटा नेक का है। जब बोर्ड लाना, जब लाइएगा बोर्ड, तब उसका पास से बोला छोटा एक तो बेस दे दीजिए, क्योंकि छोटा टीवी रहेगा तो छोटा नेक का बेस, ठीक है। ये वाला छोटा रहेगा तो पतला, एक मोटा होता है, मोटे के लिए वाला है, जो ज़्यादा सा बड़ा टीवी का मोटा नेक का बेस होता है। ठीक है, अब इसको मैं लगाएंगे। वीडियो की स्किप मत कीजिए दोस्तों, पूरा वीडियो को वॉच कीजिए। पहले पिक्चर टू चेक कर लेते, इसलिए नहीं तो पूरा बोर्ड लगा लेंगे, उसके बाद हम लाइन देखे देखेंगे पिक्चर टू खराब है तो पूरा मेहनत हम लोग का बेकार हो जाएगा। तो इसलिए पहले हम टेम्पोरेली इसको बोर्ड को लगा के देख लेंगे पिक्चर टू सही है कि नहीं। सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, मैं हर तरह का रिपेयरिंग का वीडियो में डालता हूँ, एलसीडी हो, स्टेबलाइजर हो, होम थिएटर हो, बहुत हर तरह का रिपेयरिंग का वीडियो। देखिए ऐसे ड्राइंग है पूरा, इसमें छोटा बेस लगेगा। ये वीडियो पूरा आप देख लेगा तो आप खुद घर पे अपना टीवी को बोर्ड लगा सकते हो। अब मैं इसका सोल्डिंग कर लेता हूँ। बहुत अच्छा सोल्डिंग भी होता है इस आयरन से। ठीक है, हम इसका हॉरिजॉन्टल भी लगाऊंगा, इसके अंदर में जो हॉरिजॉन्टल जाता है वाला वायर, इसको मैं खोलने के उस बेस में लगाऊंगा। मैं इसको थोड़ा रंगा लगा देता हूँ, उसके बाद मेरा बेस लगाना हो गया। अब इसका पिक्चर टू का जो ग्राउंड होता है, देखिए पिक्चर टू का ग्राउंड जो बॉडी के पिक्चर टू का बॉडी में रहता है, ये वाला, इसका ऊपर जो वायर जाता है, ये वायर उसका नहीं, ये वायर है उसका ग्राउंड हम लगा लेते हैं। ये वाला वायर का इधर लगाएंगे, इसको भूलिएगा मत, इसको लगाना चाहिए, ठीक है, नहीं तो पिक्चर टू खराब हो जाएगा। पहले इसको लगा लीजिए, अब मैं इसका घुसा दे रहा हूँ, धीमे 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 के हिला के इसको घुसाना पड़ता है। देखिए मैं कैसे लगा रहा हूँ, ठीक है। अब मैं देखिए, अब मैं स्टिक कैप लगाऊंगा इसका, ठीक है। देखिए ये वाला स्टिक कैप है, अभी तो इसके अंदर में कोई चार्ज नहीं, क्योंकि बहुत दिन से बंद पड़ा था, टीवी तो ख़राब था, इसलिए
नहीं तो इसको लगाना खोलने के लिए पहले इसको डिस्चार्ज करना पड़ता है, ठीक है, वो भी हम दिखाएंगे कैसे डिस्चार्ज करता है। चलो पहले हम इसको लगा लेते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, पहले हम यॉक का लाइन नहीं देंगे, पहले हम ऐसे में इसको लाइन देकर देखेंगे जो स्किन में जो बिंदी आ रहा कि नहीं। जब बिंदी आएगा, लेज़र आएगा, तब हम इसमें यॉक का कनेक्शंस करेंगे, क्योंकि यॉक अंदर से शॉर्टिंग रहने से जैसे हम नया बोर्ड लगाएंगे संग संग उसका आउटपुट का भी उड़ जाएगा, तो इसलिए हम यॉक का कनेक्शन अभी नहीं करेंगे। फर्स्ट इसको हम लाइन देंगे, ठीक है। देखिए ये जो सॉकेट है ये लाइन का है, मेन लाइन जाएगा, ठीक है, वो लगा दिया। अब मैं इसको लाइन दे रहा हूँ, स्क्रीन में देखेंगे। देखिए मैं लाइन दिया और थोड़ा स्टिच से बढ़ा के देखते हैं। देखिए उसको हम सही से दिखा रहे हैं, देखिए दिया, थोड़ा स्टिच से हम बढ़ा लेंगे, आपका नहीं दिखेगा ऐसा रहेगा। तो देखिए ये स्टी है, इसका नीचे है फोकस, इसको थोड़ा लाइट को ऐसा इसको घुमाएंगे, देखिए दिखा रहा है, तब जाके हम देखिए ये जो यॉक का कनेक्शंस है, तब जाके हम यॉक का कनेक्शंस करेंगे। इसका बंद करके यॉक का कनेक्शन करेंगे, अब बंद कर दिया। अब मैं यॉक का कनेक्शंस करूँगा, देखिए ये जो है ये वाला हॉरिजॉन्टल है, मैं इसको इसमें लगाता हूँ, ठीक है। और देखिए मैं लगा दिया, चलो फिर मैं दोबारा में लाइन देता हूँ। देखिए मैं दोबारा लाइन दिया, स्क्रीन में दिखा रहे, ठीक है। देखिए आया, और फिटनेस थोड़ा कम है इस साइड में, तो हम इसको बढ़ा देंगे तो फिटनेस बढ़ जाएगा। देखिए कैसे बढ़ाएंगे, बंद कर लेते हैं। इसके बाद अब मैं देखिए ये वाला जो है, अब इसमें घुसाते देखते कितना बढ़ता है। देखिए बढ़ गया है पूरा, ठीक है, ठीक है, मतलब मेरा पिक्चर 2 सही है। चलो अब इसको मैं 1 by 1 फिटिंग करेंगे, इसका आयर कनेक्शन, स्पीकर का कनेक्शन सब कुछ देखेंगे, ठीक है। चलो पहले ऐसा करके चेक कर लीजिएगा यॉक पूरा कर खोल के। अब मैं इसका दोबारा बंद करूँगा, ठीक है। पहले हम ये जो आयर का कनेक्शन मतलब रिमोट जो कैच होता है, मैं इसको खोल लूँगा। ठीक है, इसको खोल लेंगे। ठीक है, एक बार बोर्ड का हम बता देते हैं। देखिए जब
जैक का बाजू में कोई सॉकेट रहेगा तब समझ लीजिएगा जो ए बी का सॉकेट है। दिखाते देखिए ए वाला सॉकेट लगेगा, इसका कनेक्शन इसमें से जाएगा। जब आईसी का पास से दो सॉकेट निकल रहा है तो समझ लीजिए ये ऑडियो आईसी है, ये स्पीकर का कनेक्शन का है और ये सेंसर का है और ये पैनल का है मतलब स्विच दबाने वाला का। और देखिए जो पिक्चर टू का जो बॉडी में रहता है जो कॉयल मतलब ये देखिए ऐसा जाएगा वो जाएगा इस सॉकेट में। देखिए ये जो पीटीसी है इसका ये दोनों सॉकेट में जाएगा और ये डायरेक्ट जहाँ पर फ्यूज है ये वाला ये मेन लाइन में मान इनपुट लाइन है। ठीक है चलो अब मैं इसको फिटिंग कर लेता हूँ। देखिए मैं स्पीकर का कनेक्शन लगा रहा हूँ और स्पीकर का कनेक्शन है देखिए मैं कैसे लगा रहा हूँ। और ए भी एक टू स्पीकर दो टू स्पीकर लगा दिया। उसके बाद देखिए ये है इसमें कीपैड इनबिल्ड है और सेंसर भी है रिमोट जो कैच होता है। देखिए मैं इसमें इधर लगा रहा हूँ अब मैं इसको भी लगा रहा हूँ। ठीक है अब ये वाला कनेक्शन हो गया और देखिए अब ये वाला जो बोले थे हम देखिए इधर जो कनेक्शन है बहुत इजी है दोस्तों नया बोर्ड फिटिंग करना। ठीक है अब लगा दिया हो गया। अब मैं और एक तो बार इधर देखिए ये वाला जो देखिए इसको भी लगा दिया। ठीक है ड्रिजिंग का है वो वाला। चलो अब मैं इसको सही तरीके से मैं फिटिंग करूँगा तो फिटिंग करके मैं चला के दिखाता हूँ। देखिए मैं सेंसर का कनेक्शन कर लिया, मैं उसको पुराना ही सेंसर यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है और नया वायर स्विच लगा दिया और ये वाला नहीं लगाया। ठीक है मैं उसको ओरिजिनल सेंसर का कनेक्शन कर दिया। ठीक है तो आप चाहे तो इसको बाहर से भी लगा सकते हो ऐसा करके फिटिंग करके उसके सामने में। ठीक है वैसे इस तरह बैठा होल्ड कर लीजिएगा तो सामने से तो होल्ड करके उससे वायर घुसा के ऐसे बाहर चिपका भी सकते हो। ठीक है मैं इसका ओरिजिनल कनेक्शन कर लिया। ठीक है सेंसर का कनेक्शन हो गया अब मैं इसका पूरा बोर्ड लगा रहे हैं। ए बी का कनेक्शन कर दिया। ठीक है इसको खोल के दोबारा से मैं इसके ग्लो लगा के चिपकाऊंगा क्योंकि फिनिशिंग चिपकाऊंगा मैं क्योंकि हम टेम्पोरेली लगाए थे अब इसको मैं खोलूँगा ये वाला को। ठीक है इसको खोलने के पहले डिस्चार्ज करना पड़ता है। देखिए इसका बॉडी जो ग्राउंड रहता है उसमें एक वायर लगा लिया। अब मैं इसको देखिए पहले हम इसको इस अंदर से इसको डबल का घुसाएंगे। घुसाने के बाद ठीक है अब इसको ऐसे टच करेंगे। ठीक है टच किया। ठीक है अब इसका डिस्चार्ज हो गया अब इसको मैं हाथ से निकल सकता हूँ। ठीक है लाइन खोल के करने सब। ठीक है अब इसमें कोई करंट नहीं स्टोर होगा क्योंकि वो डिस्चार्ज हो गया। ठीक है डिस्चार्ज हो गया अब इसका ऊपर हम ग्लो लगाएंगे थोड़ा इसको क्लीन कर लेंगे। क्लीन कर लेंगे अब क्लीन कर लिया इसमें अब ग्लो लगाएंगे। ग्लो आप लगा भी सकते हो ठीक है नहीं भी लगा सकते अच्छा लगाना अच्छा होता है लगाने से अच्छा होता है ज़्यादा जल्दी कैप खराब नहीं होता है लगाने से। अब हम इसमें कैप लगा लेते हैं। ठीक है हो गया अब इसको घुमा के मैं चालू करके चालू करेंगे। ठीक है
देखिए मैं लाइन दिया, पिक्चर सही क्लियर नहीं आ रहा है, अब इसको पिक्चर क्लियर सही करेंगे। देखिए एसटी से ऊपर वाला को, ठीक है, ऊपर वाला को धीमे धीमे घुमाएंगे कलर। देखिए अब क्लिंग है पूरा, मोबाइल में ऐसे दिखा रहा है, ठीक है। पिक्चर थोड़ा बड़ा भी है, इसको हम छोटा भी करेंगे, रिमोट से करेंगे। देखिए ये जो रिमोट का होल्ड है, जो सर्विस मोड जैसे फिर निकलते हैं हम उसको, देखिए अब इसमें घुसा देंगे ऐसा, सर्विस मोड निकल आएगा। ठीक है सर्विस मोड निकल आया, अब मैं रिमोट से एक दबा रहा हूँ, ठीक है आ गया साइज। ठीक है अब साइज पे लाएंगे, देखिए साइज पे लाए, अब इसके बाद इसको छोटा करेंगे, देखिए छोटा हो रहा है। ठीक है अब मैं थोड़ा कलर को एडजस्ट करेंगे। थैंक्स फॉर माय वाचिंग माय वीडियो।